कैसे गया आप लोग का एग्जाम कैसे गया? एकदम अच्छा गया। साइंस हिंदी था ना? 80 कितना नंबर आ जाएगा टोटल? 70 प्लस आएगा। कितना एग्जाम कैसे गया आप लोग का? बहुत बढ़िया गया। रिजल्ट कैसा आएगा? कैसा रिजल्ट मैंने कैसा लग क्या लग रहा है? फर्स्ट डिवीजन आएगा, सेकंड आएगा, कैसा आएगा? टॉप आएगा। हम परीक्षा चला था सातवां दिन है और सातवां दिन साइंस और कॉमर्स का हिंदी विषय था। तमाम जो छात्राएं जो है परीक्षा देकर निकल चुकी है, तमाम छात्राओं से बात करने का प्रयास करें। जो परीक्षा था अंतिम दिन था, परीक्षा कैसा रहा? तमाम छात्राओं से बातचीत करने का प्रयास करें। परीक्षा कैसा गया आपका? मस्त। कौन सा विषय था आज? हिंदी। अच्छा लास्ट पेपर था साइंस से कॉमर्स से? साइंस। अच्छा परीक्षा कैसा गया है? बहुत अच्छा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, एकदम काफी इजी था। अच्छा कोचिंग या पढ़ाई से मैंने परीक्षा में अच्छा लिखे हुए हैं? स्कूल की पढ़ाई से? स्कूल के पढ़ाई से। कैसा परीक्षा गया है? बहुत अच्छा गया। अच्छा कॉमर्स या साइंस से थे? कौन से? मैं साइंस। साइंस से थे। अच्छा अंतिम परीक्षा था कैसा? हाँ। कितना मार्क्स आ जाएगा लगभग, क्या लग रहा है? 420-430 ऑलमोस्ट आ जाएगा। हाँ। अच्छा पढ़ाई कहाँ से की होती? पटना से पढ़ाई की होती। कौन से स्कूल से? मैं स्कूल नहीं, गोरख सिंह कॉलेज से, और मतलब पटना से कोचिंग करके। हाँ कोचिंग। क्या नाम है आपका? रितिका सिंह। मैं यहाँ गोहपुर से। गोहपुर से। अच्छा परीक्षा कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया। कितना मार्क्स का लिखे हुए आज? कितना मार्क्स था एग्जाम आज? 100 नंबर का था। अच्छा साइंस या कॉमर्स है? साइंस से। टोटली कितना नंबर आ जाएगा परीक्षा में, क्या लग रहा है? पेपर अच्छा गया है। अब रिजल्ट उम्मीद है कितना आ जाएगा? जी कितना उम्मीद है, क्या लग रहा है? 89 तक। एग्जाम कैसा गया आप लोग? एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया है। कैसा गया एग्जाम? कितना मार्क्स लिखे, कितना मार्क्स आपने लिखे हुए हैं आज? 80 मार्क्स। एग्जाम कैसा गया आप लोग? बहुत बढ़िया। मतलब कितना मार्क्स? और तमाम छात्राएं सभी से बात करने का प्रयास करें। तमाम छात्राएं जो काफी खुशमय दिख रही है कि एग्जाम जो है काफी अच्छा गया है, और लगभग सभी का कहना है कि 400 में रिजल्ट जो है 500 का रिजल्ट एग्जाम हुआ है तो 400 नंबर हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो हम और लोग से बात करने का प्रयास करें। एग्जाम कैसा गया बाबू? अच्छा गया। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कौन सा पेपर था आज? हिंदी का था। अच्छा टोटल 500 का एग्जाम था हम लोग का, कितना टोटल मार्क्स आ जाएगा फाइनल रिजल्ट? आ जाएगा तो पता चलेगा। अच्छा कहाँ से पढ़ाई करके मैंने एग्जाम दिया, स्कूल से या कोचिंग की पढ़ाई से? कोचिंग से पढ़ रहे हैं। कोचिंग से। कौन से कॉलेज से थे आप? हम गोरख सिंह कॉलेज से। गोरख सिंह कॉलेज से। एग्जाम क्या लग रहा है, फर्स्ट डिवीजन आएगा, सेकंड आएगा, कैसा आएगा? टॉप आएगा। हम दावे के साथ? एकदम दावे के साथ, कोई मतलब पता ही नहीं। नो एकदम एग्जाम अच्छा गया। अच्छा पढ़ाई स्कूल से किए हैं कोचिंग से किए? कोचिंग से। अच्छा कौन सा विषय था आज? साइंस और हिंदी। मतलब साइंस या कॉमर्स था, क्या था? साइंस था। सब विषय में अच्छा एग्जाम गया? ऐसा नहीं है ना, केमिस्ट्री या फिजिक्स में या मैथ में कोई थोड़ा कम नंबर आ जा सके एग्जाम? हाँ। कौन से विषय में? बायो में। तो मतलब उसमें कम लिखा है, फर्स्ट दिन था। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमार। कौन से कॉलेज से हुए? गोरख सिंह। घर क्या हुआ आपका? उज्जैन। और तमाम जो कहाँ सब कहाँ कितना नंबर का एग्जाम था आपका आज? 100। रिजल्ट कैसा है, क्या लग रहा है एग्जाम? अच्छा बहुत अच्छा है। टोटली एकदम अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा भी? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अमीशा सिंह। कौन से कॉलेज से हुए? SKJR से। देखिए तमाम छात्राएं से बात करने का प्रयास किया गया, देख सकते हैं कि वहाँ शंकर प्रसाद जो सर इंटर कॉलेज है कॉलेज के ठीक सामने मौजूद थे, और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का परीक्षा चुस्त दुरुस्त कराने को लेकर जिला अधिकारी जो मुकुल कुमार गुप्ता है, पुलिस कप्तान एमटीएस मराय होते महाराज, इनके जो SDPO थे SDO थे सभी लगे हुए थे कि परीक्षा जो है शांतिपूर्ण चले। तमाम यहाँ भी प्रशासनिक जो लोग हैं सभी लोग मौजूद थे। तमाम जो छात्राएं से बात करने का प्रयास किया गया, देखना होगा जो रिजल्ट 2 माह बाद आएगा तो कितना परसेंट आता है। हमेशा ये देखा जा रहा है कि लगातार 3-4 साल से देखा रहा है जितनी भी लड़कियां हैं सभी टॉप 10 में, जितनी भी लड़कियां हैं टॉप 10 में शामिल हो रही है। देखना होगा अबकी बार जो लड़कियां हैं साइंस हो कमर्स आर्ट्स का रिजल्ट आएगा तो टप्पे में क्या लड़की बाजी मारती है, लड़के बाजी मारते हैं, यह तो आने वाला समय पता चलेगा।